हेलो दोस्तों स्वागत है सभी मित्रों का आज हम बात करेंगे आपके कुछ क्वेश्चंस की जो आपने भेजे हैं उन क्वेश्चंस का मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा कि संतुलित उत्तर आपको मिल पाए तो हाँ मैं ये उत्तर आप लोगों को इस प्रकार से दे रहा हूं कि आप जो है अपनी समस्याओं को कम से कम कर पाएं उनमें कोई समस्या आपको उत्पन्न ना हो चूँकि इस समय जो है डेट एक्सटेंड हो चुकी है और डेट एक्सटेंशन होने से आप लोगों को एक बेनिफिट ये है कि अब इसमें बहुत सुधार की संभावनाएं हैं सुधार इसमें बहुत ज़्यादा हो सकता है तो चलिए शुरुआत करते हैं और कमेंट लेना शुरू करते हैं कि किन किन ने हमें कमेंट किए हैं और उन कमेंट्स के मैं जवाब देना शुरू करता हूँ ये पहला कमेंट है रीना कुशवाहा जी का ये बोल रही हैं सर मेरा वेरिफिकेशन नहीं हुआ मेरे मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है मुझे उसमें सुधार करवाना है लेकिन वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है सर वेबसाइट कब खुलेगी प्लीज़ रिप्लाई देखिए रीना जी वेबसाइट ओपन ज़रूर होगी कुछ वक्त लगेगा टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं ओपन ज़रूर होगी आपका फॉर्म भी एडिट होगा आप बिल्कुल चिंता मत करिए क्योंकि डेट एक्सटेंड हो चुकी है जल्द ही इसका कुछ ना कुछ समाधान अवश्य होगा आप बिल्कुल इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है वेबसाइट जरूर ओपन होगी कुछ समय ज़रूर लगेगा लेकिन वेबसाइट ओपन होगी ये अगला क्वेश्चन है अब्दुल जहीर क्रैसी जी ये पूछ रहे हैं कैसे पता करेंगे सत्यापन हो गया है जब आप सत्यापन के लिए जाते हैं वहाँ पर आपके जो वेरिफिकेशन कोड वगैरह और आपके आधार कार्ड आपके आधार कार्ड में जैसा नाम है वो और अन्य सभी जो डिटेल्स वहाँ पर फिलअप करनी होती हैं वो फ़िलअप करने के बाद सर जब वेरीफाई करते हैं तो वहाँ पर सक्सेस का एक मैसेज आता है तो बस उससे अपन को पता सर को भी पता लगा सकते हैं कि वेरीफ़ाई हो गया है और अपने को ख़ुद को भी ये पता चल जाता है कि वेरीफिकेशन हो गया है क्या सत्यापन के बाद कोई नंबर मिलेगा नहीं सत्यापन के बाद कोई नंबर नहीं मिल रहा है ना ही कोई प्रिंट आउट निकल रहा है लेकिन सत्यापन के बाद एक जो मैसेज आता है सक्सेस का वही एक हमारे पास प्रूव है कि हमारा सत्यापन हो गया है नेक्स्ट देखते हैं अनीता जैन जी ने कमेंट किया है टीचर लिंक कब ओपन होगी मिस्टेक सही करवाना है बिल्कुल लिंक कुछ समय में ओपन होने वाली है आप वेट करिए इंतजार करिए क्योंकि टाइम लगेगा अभी टेक्निकल फॉल्ट्स हैं उनको सिस्टमेटिक तरीके से ठीक करने में डेट एक्सटेंड हो चुकी है आप संकुल प्राचार्य के संपर्क में रहें और आप एजुकेशन पोर्टल पर नियमित रूप से बनी रहें आपको जानकारी निश्चित रूप से मिलेगी इन सभी चीज़ों की और थोड़ा धैर्य बना के भी रखें एकदम जल्दी नहीं करें डेट एक्सटेंड इसीलिए हुई है क्योंकि बहुत सी समस्याएं आई हैं और समस्याएं है संबंधित अधिकारियों के पक्ष में अधिकारियों के ध्यान में और संबंधित विभाग के ध्यान में भी समस्याओं को लाया गया है मुझे लगता है निश्चित रूप से जल्द से जल्द इसका कुछ ना कुछ समाधान अवश्य होगा आप इससे बेफिक्र रहें कोड नहीं आ रहा मेरा प्लीज रिप्लाई सर कोड नहीं आ रहा है तो कोड के बारे में मैंने कोड के बारे में एक वीडियो मैंने बनाया है पिछला आप देख लें उसमें कुछ नंबर लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है कि उस लिंक पे जाके आप कुछ नंबर्स हैं कोऑर्डिनेटर के हैं उसमें डाटा इंट्री ऑपरेटर्स के भी हैं और प्रोग्रामर्स के भी हैं तो उनसे कॉन्टैक्ट करके आप पता कर सकते हैं कि कोड क्यों नहीं आया है और कैसे कोड आएगा हालांकि कोड भेजने की प्रक्रिया जारी है और निश्चित रूप से कोड भी आपका आएगा आप चिंता ना करें सर ईमेल भी कि यहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं आया हाँ बिल्कुल देखिए बड़ी मात्रा में ईमेल उनके पास आ रहे होंगे तो इसलिए रिप्लाई नहीं आ रहा होगा लेकिन जो समस्याएं आ रही हैं उन पर ध्यान उनका जरूर है इतना तो मुझे भी लग रहा है क्योंकि समस्याओं के निराकरण में ही आप सभी लोगों का भी भला है और सरकार का भी भला है क्योंकि प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और अपने गंतव्य तक एक पारदर्शी व्यवस्था के थ्रू पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें किसी को भी कोई संदेह की गुंजाइश ना बचे अगला है प्रीति अग्रवाल जी कमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया क्या करें पाँच साल ग्रेड वन में रहते शिक्षक अरे ये तो आपके साथ गलत हुआ है प्रीति जी आपने वर्ग एक में पढ़ाया है और आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है आ, गलत हुआ है लेकिन हो सकता है अब सरकार आपको शायद फिर से मौका दे शायद बोल रहा हूँ मैं शायद ना भी दे तो आपको फिर अगले वर्ष ट्राई करना होगा लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो फिर बाकी चीज़ें कैसे होंगी क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद ही तो प्रिंट आउट निकालते हैं उसके बाद फिर सत्यापन की प्रक्रिया और सभी ये प्रक्रियाएँ होती हैं तो आपको शायद मुझे लगता है आपको वेट करना होगा और सरकार चाहे तो फिर आपको एक बार फिर से अगर वेबसाइट ओपन होती है एक बार फिर मौका देती है तो आप फिर से इसमें रजिस्ट्रेशन कर लें आपको इतने दिन से शायद अतिथि में अगर आप पढ़ा दी थी पाँच साल अगर आपका एक्सपीरियंस था तो फिर आपने क्यों नहीं इसमें डाला आपको डालना चाहिए था सर मैंने इन सभी को कॉन्टेक्ट किया कर लिया पर कोई हल नहीं हुआ बिल्कुल चिंता ना करें आप डी ने कमेंट किया है बिल्कुल चिंता ना करें जल्द से जल्द समाधान होगा और कांटेक्ट चूँकि जो बड़ी मात्रा में उनके पास कॉल और ईमेल्स आ रहे होंगे इसलिए जवाब नहीं मिल पा रहा होगा तो आप वेट करें आपको जल्द से जल्द समस्या का समाधान मिलेगा विजयपाल जी पूछ रहे हैं सर मुझे जानकारी दें कब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी सर ये विजयपाल जी मैं आपको बता दूं कि जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाती प्रोसेस चलती रहेगी अलॉटमेंट हो नहीं हो जाते तब तक प्रोसेस चलती रहेगी आप इसका कोई टाइम फ्रेम थोड़ी बता सकते हैं हम या कोई अधिकारी भी इसकी नहीं बता सकते क्योंकि ये एक पहली बार एक प्रक्रिया हो रही है तो इसमें टाइम तो अवश्य लगेगा सर इसमें सैलरी सैलरी के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं नियमों के अनुसार तो जो पुरानी सैलरी स्ट्रक्चर है अभी वही होगा लेकिन सरकार इसमें कुछ बदलाव करना चाहे तो बिल्कुल कर सकती है बी एड की मार्कशीट भी ऐड करना है आपने पहले क्यों नहीं की अब हो सकता है आपको मौका मिलेगा अनुराधा जी वेट करिए एडिट करके आप उसमें अपलोड कर पाएंगी रिजेक्ट वहाँ से आपका जो है वेरीफिकेशन रिजेक्ट होगा इसके बाद फिर आप अपलोड करेंगे जो भी आपको अपलोड करना है और एडिट करेंगी, देन आप ये अपलोड हो जाएगी आपकी और ये नेक्स्ट अनुराधा जी का ही कमेंट है फॉर्म एडिट करना है बिल्कुल एडिट हो जाएगा तीन तीन कमेंट आपने किए हैं तीन तीन चार चार नेक्स्ट है ये रीना कुशवाहा जी का कमेंट ऑलरेडी हमने ले लिया है ये है कोई कमेंट नाम नहीं आ रहा पा रहा है जगपाल सिंह तोमर जी इन्होंने सर प्लीज़ रिप्लाई इनका कमेंट मुझे नहीं दिखा चलिए ये कमेंट देख लेते हैं सर हमारे एसएमएस तो आ गया लेकिन आधा उसमें कोड नहीं आ गया टीचर कुछ बनाएं अब क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है आप प्रोग्रामर से कांटेक्ट करके वहाँ से कोड मंगवाने का प्रयास करें या फिर आप आप प्रोग्रामर से कांटेक्ट करके इसका हल निकल सकता है संकुल प्राचार्य से भी कनेक्ट रहें जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके जगपाल सिंह तोमर जी कमेंट कर रहे हैं सर मैं वेरिफिकेशन के लिए आ, गया तो फोटो और साइन को अपलोड करने के लिए बता रहा इसके लिए कुछ ऑप्शन है एडिटिंग का कुछ आएगा प्लीज़ रिप्लाई अच्छा बिल्कुल एडिटिंग का आएगा इसमें वेरी इसको वेरिफिकेशन को रिजेक्ट करा के और फिर एडिटिंग हो सकती है बाद में अभी इस वेबसाइट ओपन होने दीजिए और इसमें देखिए आगे क्या प्रक्रिया होने वाली है इसमें होगा ज़रूर एडिट होगा होगा बिल्कुल दिव्यांश राय जी होगा एडिट होगा आगे महेश महेश जय जी हैं कौन है ये महेश जय ये बोल रहे हैं एडिट के लिए साइड कब खुलेगी बिल्कुल खुलेगी जल्द ही खुलेगी काम इस पर चल रहा है जारी है इसको जरूर ओपन होगी जल्द से जल्द दिव्यांश राय जी बोल रहे हैं सर एडिट होगा कि नहीं बिल्कुल होगा एडिट आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए एडिट बिल्कुल होगा बिल्कुल आप नियमों के हिसाब से भी अगर आप देखें आपने नियम पढ़े होंगे मैंने नियमों पर एक वीडियो बनाया है पूरी प्रक्रिया जो है वो वाला वीडियो अगर आप देख लें तो उसमें हर एक नियम बताया गया है उस नियम के अनुसार एडिट बिल्कुल होगा एडिट करें के लिए साइट कब खुलेगी बिल्कुल जल्द खुलेगी थैंक्स सर ओके आपको भी धन्यवाद सर मेरा कोड आया था बट मिस हो गया है तो क्या करें वापस कोड लेने के लिए बिल्कुल कोड वापस मिल सकता है प्रोग्रामर से कांटेक्ट करें आप या डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो नंबर एक वीडियो बनाया है वहाँ पर आप नंबर देखें आपको उसमें नंबर मैंने लिंक भी दी है भाई ये समस्या प्रॉब्लम मेरी भी है अगर हेल्प मिले तो प्लीज़ बिल्कुल आपको मैंने हेल्प मैंने आपको बताया है कि आप प्रोग्रामर से कॉन्टेक्ट करें इसके अतिरिक्त आप अपने संकुल प्राचार्य के संपर्क में रहें जैसे ही जल्द से जल्द आपको समस्या का समाधान मालूम होता है तो आप उस समस्या के समाधान की ओर अग्रसर हों सर मैंने वेरिफिकेशन करवाया बिथ कोड तो शो हो रहा है एप्लीकेशन हैज़ बीन ऑलरेडी प्रोसेस्ड इसका मतलब मेरा वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं अच्छा तो आपका मतलब एक बार अगर हो चुका होगा तो फिर आपका वेरिफिकेशन इसका मतलब है कि हो चुका है इसका मतलब हो चुका है अंडर प्रोसेस है तो हो चुका है वैसे मेरा आपको सुझाव रहेगा कि आप एक बार और करवा के देख लें कि हुआ कि नहीं हुआ वैसे मुझे लगता है अंडर प्रोसेस है तो इसका मतलब भी हो चुका है वेरीफिकेशन ये राकेश वर्मा जी कमेंट कर रहे हैं सर मेरा वेरीफिकेशन हो चुका है फिर बाद में वेरीफिकेशन कोड आया अब जब वेरीफ़िकेशन करवाते हैं तो मैसेज आता है कि डिड नॉट मैच डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ रिप्लाई में ऑलरेडी आपका वेरीफिकेशन हो गया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप बाद में अगर इस प्रकार की सूचना आती है कि आप कोड के साथ वेरीफिकेशन कराएँ तो आप फिर से वेरीफिकेशन करा सकते हैं सर मैंने संकुलट प्राचार्य से प्री वेरीफाई कराया तो स्क्रीन पर कैन नॉट इंसर डुप्लीकेट की बिल्कुल ये समस्या बहुत लोगों के साथ आ रही है जल्दी इसका समाधान होगा इस पर काम भी चल रहा है नेक्स्ट कमेंट है प्रभा खरे जी कमेंट कर रही हैं सर मैंने वेरीफिकेशन करवाया विद कोड तो सो रहा है एप्लीकेशन इज ऑलरेडी प्रोसेस हाँ बिल्कुल इसका मतलब है कि आपका वेरीफिकेशन शायद हो चुका है बाकी आप एक बार और प्रभाग के इसमें एक बार और देख लें आप बाद में लास्ट डेट के दो तीन दिन पहले ताकि इसका आपको उचित और सरल हल आपको मिल सके सर मेरा वेरिफिकेशन 24 को हो गया है उसके बाद फिर कोड आया है पर अब फॉर्म ओपन नहीं हो रहा कुछ इन in इंफॉर्मेशन दें फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है पहले करवा चुके हैं आप वेरिफिकेशन हाँ बहुत लोगों के साथ ये समस्या हो चुकी है हो रही है जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है उनका फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है उसका मतलब आपका ऑलरेडी वेरिफिकेशन हो चुका है ये प्रिया तिवारी जी कमेंट कर रही हैं सर वेरिफिकेशन कोड आ गया है पर पूरी जानकारी फिल करने के बाद वार्निंग दे रहा है कि मोबाइल नंबर ऑलरेडी यूज्ड सर प्लीज़ हेल्प मी ऑलरेडी यूज मतलब मोबाइल नंबर पहले यूज़ हो चुका है या वेरिफिकेशन कोड आ गया है मतलब इसका आप पहले आपने वेरिफिकेशन करा लिया होगा समस्या का समाधान आप जो है प्रोग्रामर या कंप्यूटर ऑपरेटर जो नंबर मैंने लिंक दी है पिछली वीडियो में उसमें से नंबर निकाल के आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके इसका पता करें सर वेरिफिकेशन कोड आ गया है पर जब संकुल में वेरीफाई कर गए तो सारी जानकारी फिल करने के बाद सबमिट आने बार आ रहा है कि मोबाइल नंबर ऑलरेडी यूज्ड प्लीज़ हेल्प मी इन्होंने इन्होंने हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रिय तिवारी जी आप चिंता ना करें जल्द से जल्द आपका समाधान होगा और आप प्रोग्रामर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप कंप्यूटर ऑपरेटर से बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके अतिरिक्त आप संकुल प्राचार्य के संपर्क में ज़रूर रहें उनसे आपको हेल्प मिलती रहेगी नेक्स्ट रीना जी का कमेंट ये पहले ले चुके हम पुष्पेंद्र धरवरिया जी का हाँ ऐसा हो रहा है कुछ लोगों का वेरिफिकेशन के बाद भी कोड आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है आगे ये अगला कमेंट देखते हैं सर मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि मैंने विदाउट एक्सपीरियंस ऑनली अपने ऑल डॉक्यूमेंट्स और डी एड बी एड सजेशन कराया और मेरा वेरिफिकेशन हो गया है कि विदाउट एक्सपीरियंस वालों को विदाउट एक्सपीरियंस वालों को बिल्कुल मौका मिलेगा डी एड से कराया तो कोई एक्सपीरियंस का कोई वो वैल्यू इस वक्त नहीं दिया गया है बाद में अगर नियम बदल जाए तो कुछ कह नहीं सकते लेकिन अभी तक डी एड वालों को ही सिर्फ अगर आपके अच्छे परसेंटेज हैं डी एड में भी अच्छे परसेंट हैं तो आपको सेकेंड बरीयता आपको दी जाएगी फर्स्ट जो पुराने शिक्षक हैं उनको बस बरीयता दी जा रही है थर्ड फॉर्म में जिनके पास डी एड नहीं है उनको दी जा रही है एक्सपीरियंस का इस बार कुछ अभी तक के नियमों के अनुसार अभी तक के नियम जो हैं उनके अनुसार अभी अनुभव को कुछ वरीयता नहीं दी जा रही है अनुभव वालों को फॉर्म में मिस्टेक आने से संकुल से वेरीफिकेशन नहीं हुआ क्या करें एडिट करवा डिजेक्ट करा के फिर से वेरीफिकेशन करवाना पड़ेगा आपको अनिता जैन जी ठीक है तो दोस्तों आज के ये कमेंट थे और आप लोगों का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और भी सवालों के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में और आप मुझे और भी सुझाव दे सकते हैं कि किस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी समस्याएँ हैं उन पर वीडियो बनाने की जैसे ही जानकारी उपलब्ध होती है हर एक जानकारी आपको देने का मैं प्रयास करता हूँ इस दिशा में मेरा प्रयास जारी रखेगा जारी रखूँगा मैं और आप लोग वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें आपको जिस प्रकार की भी वीडियो चाहिए और अपने जो भी सवाल हैं वो जरूर पोस्ट करें जिससे कि आपका मैं जवाब दे पाऊँ और थोड़ा इंतजार करें आपकी समस्याएं सभी की समस्याओं को हल करने के लिए ये डेट एक्सटेंड की गई है और जल्द से जल्द आप सबकी समस्याओं का समाधान निकलेगा थैंक यू नमस्कार जय हिंद जय भारत